नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है विवाह। उसके उपरांत महिला पुरुष का गृहस्थ जीवन आरंभ होता है, लेकिन कुछ लोगों की शादी में किसी न किसी कारण से विलंब होता जाता है। कई बार तो अविवाहित लड़के या लड़की की सभी परिस्थितियां बहुत अच्छी होती हैं, फिर भी विवाह नहीं हो पाता। तो ऐसे में काफी हद तक वास्तु संबंधित बाधाएं भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से विवाह में अड़चने आने लगती हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताएंगे, जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं काले रंग की। आजकल देखा जाए तो युवाओं को काला रंग बेहद पसंद होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार काला रंग कुंवारों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, इसीलिए इस रंग के वस्त्र जहाँ तक हो सके कम ही पहने। ज्योतिष विद्वान मानते हैं कि काला रंग शनि, राहु और केतु का प्रतिनिधित्व करता है। ये विवाह के बाधक माने जाते हैं। तो वहीं विवाह योग्य लड़के लड़कियों को गहरे रंग वाले कमरों में नहीं सोना चाहिए। दीवारों का रंग चमकीला गुलाबी पीला होना शुभ माना जाता है, और ऐसी जगह पर नहीं सोएं जहां बीम लटका हुआ दिखाई दे। इससे भी आपके विवाह में अटकने आने लगती हैं। कुंवारों को अपना बिस्तर इस तरह रखना चाहिए ताकि सोते समय पैर उत्तर और सिर दक्षिण दिशा में हो। अगर आपके विवाह प्रस्ताव में लगातार अड़चने आ रही हैं, तो विवाह वार्ता के लिए घर आए अतिथियों को इस प्रकार बैठाएं कि उनका मुख घर के अंदर की ओर हो और उन्हें घर का दरवाजा दिखाई न दे। ऐसा करने से बात पक्की होने की संभावना बढ़ जाती है। आपको बता दें कि किसी भी घर के मध्य में सीढ़ियां होना भी विवाह में देरी का एक कारण है, इसीलिए वास्तु के मुताबिक घर का मध्य हमेशा खाली रखना चाहिए। तांबे का एक चौकोर टुकड़ा जमीन में दबा देने से सूर्य बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और विवाह के योग बनने लगेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक सोमवार कुंवारियों को सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर ओम सोमेश्वराय नमः का जाप करते हुए दूध मिले जल को चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि अगर भगवान शंकर किसी पर खुश हो जाएं, तो उसे मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। श्री गणेश को मालपुए का भोग लगाने से भी मनचाहे जीवन साथी पाने की मंशा पूर्ण होती है। अगर आपके विवाह में कोई परेशानी आ रही है, तो पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की 108 परिक्रमा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। लड़के विवाह की बाधा को दूर करने के लिए श्री कृष्ण के नाम की माला का 108 बार जाप करें। इसके साथ ही आपको बता दें कि कृष्ण मंदिर में बांसुरी और पान चढ़ाने से भी प्रेम की प्राप्ति होती है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।